उम्म अल मोमिनीन सैयदा जुवैरिया के घर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह तशरीफ ले गए तो वो अपने मुसल्ले पर बैठी हुई वजीफा पढ़ रही थी। फिर आप चाश्त के बाद वापस आए तो अपने मुसल्ले पर ही थी। आपने फरमाया, मैंने चार कलमे तीन मरतबा कहे हैं, अगर उनका वजन तुम्हारे इतने तवील वजीफे के साथ किया जाए तो वो चार कलिमात वजन में बढ़ जाएंगे। वो चार कलिमात हैं, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, अदद खल्क़िही, वरिदा नफ्सिही, वज़नत अर्शिही, व मिदाद कलिमातिही। पाक है अल्लाह और तारीफें उसके लिए हैं, उसकी मखलूक की गिनती के बराबर, उसकी जात की खुशनूदी के मुताबिक और उसके अर्श के वजन के बराबर और उसके कलिमात की स्याही के बराबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सुबह और मगरिब की फर्ज नमाज के बाद किसी से बात किए बगैर, और ये आयतुल कुर्सी का भी एक दूसरी जगह पर यही आता है कि बात किए बगैर सात सात मरतबा ये दुआ पढ़ ले, फिर उसी दिन या रात में फौत हो जाए तो वो जहन्नम की आग से महफूज रहेगा। और वो दुआ है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, ए अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से महफूज रख। जार का मतलब होता है पनाह देने वाला, पड़ोसी को भी जार कहते हैं क्योंकि मुश्किल वक्त में अमूमन पड़ोसी काम आते हैं। तो ये जो दुआ है कितनी मुख्तसर है ना, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। मुझे याद है कि बहुत छोटी थी मैं, अभी शायद नमाज फर्ज भी नहीं हुई थी, तो मेरी वालिदा ने मुझे कलिमात याद कराए थे। अमूमन ये होता है कि माँ नमाज पढ़ के बैठती है ना, बच्चे आके गोद में लेट जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं बच्चे, तो आपने देखा होगा कि अमूमन उनको बहुत मजा आता है नमाज के बाद जमीन पे बैठ के आपकी गोद में लेटने। तो ये बड़ा अच्छा मौका होता है कि जब वो खुद आपके पास आए और लाड करें और आप उस वक्त उन्हें कोई प्यार से अच्छी सी बात सिखा दें, और बचपन में सीखी हुई बातें फिर सारी जिंदगी नहीं भूलती, वो ऑटोमेटिकली जारी हो जाती है। तो ये तमाम माएं अपने अपने बच्चों को सिखा दें। तो इंशाल्लाह अगर मगरिब की नमाज के बाद ही बच्चे साथ पढ़े नमाज, या जैसे भी मुनासिब हो, इसको आप अपना होमवर्क समझिए। जिनके बच्चे नहीं है छोटे, वो बच्चों के बच्चों को भी सिखा सकते हैं और इसके अलावा बहन भाइयों को भी सिखा सकते हैं।